स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ रीजन्स पर मुश्तमिल इंतखाबी हलकों से यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए 6 मेंबरान चुने जा रहे हैं, जिनके लिए वोटिंग 23 मई की सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इन इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 50 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से रशीदा मुबारक, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर भी है, वाइट पाकिस्तान साथ उम्मीदवार है। रशीदा मुबारक ने जियो को बताया कि वो कामयाब होकर पाकिस्तानियों के मसाइल, जिनमें मसला कश्मीर और दीगर इश्यूज शामिल है, भरपूर आवाज उठाएंगी। इन द यूरोपियन पार्लियामेंट एज वेल एज माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कॉटलैंड एंड स्कॉटिश इश्यूज, आई हैव बीन वेरी फोकस्ड ऑन अदर इश्यूज व्हिच कंसर्न द पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल द इशू ऑफ कश्मीर, व्हिच हैज इन सम respects being a forgotten issue. We are trying to revive it, we are trying to keep it alive. We've had several debates and we're absolutely focused on this, so that there would be some proper resolution to bring the suffering of the Kashmiri people. Britannia European Union mein shamil rahega ki nahi, abhi is bare mein koi baat bhi yakeen se nahi batayi ja sakti, lekin 23 मार्च को होने वाले यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन की मुहिम हसबे ममूल पूरे जोरों शोर से जारी है। तायरी नाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।